हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जस्ट मैंने अभी एक घंटे पहले एक वीडियो डाली थी पल्सर N160 को लेकर, जहां पे दोस्तों थोड़ी सी मिसलीडिंग हो गई थी, क्योंकि वो जो वीडियो थी मैंने उस पर एक्सपेक्टेशन बताया था कि भाई ये चीज़ें हमारी पल्सर न्यू N160 में हो सकती है। और उस वीडियो डालने के बाद फाइनली बजाज की तरफ से ऑफिशियली इस बाइक को लॉन्च कर दिया गया। जी हाँ, मेरे वीडियो डालने के बाद जस्ट भाई 5 से 10 मिनट के बाद ही ऑफिशियल वेबसाइट में आ गई। तो थोड़ी जो चीज़ें वो आपको अलग इसमें देखने को मिली और कुछ चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने को मिली है, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और इस बाइक के बारे में आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो N160 है वो बजाज की काफ़ी पॉपुलर बाइक होने वाली है, क्योंकि आपको पता है भाई N250 और F250 उतना ज़्यादा तो पॉपुलर हो नहीं सकी, बट मुझे उम्मीद है कि यह बाइक जो है बहुत ही ज़्यादा चलने वाली है इंडियन मार्केट में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं N160 के बारे में। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियोस अपडेट रह सकें। चलिए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं बजाज पल्सर N160 के बारे में। दोस्तों, N160 इंडियन मार्केट में जो इसका मतलब लुक होने वाला है, इसका जो डिज़ाइन होने वाला है, वो तो सामने दिख ही रहा है। ये सेम N250 की तरह आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इसका जो ग्राफिक एंड कलर ऑप्शन है, इसमें बजाज ने थोड़े अच्छी तरीके से काम किया और ग्राफिक एंड कलर ऑप्शन N250 से ज़्यादा बेटर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी कि बजाज अब कलर ऑप्शन में भी थोड़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है और उसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट कर रहा है। बाकी आप लोगों को ये ग्राफिक एंड कलर ऑप्शन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिजाइन के बारे में। तो डिजाइन जैसे मैंने आपको बताया, सेम N250 है। फ्रंट से आपको वही सिंगल LED प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिल रही है। बीच सेंटर का डिजाइन सेम है। रियर टेल लाइट में भी आपको सेम लाइट इसमें देखने को मिल रही है। डिस्प्ले भी आपको इसमें लगभग सेम देखने को मिल जा रहे हैं। इंजन के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसमें आप लोगों को बजाज की तरफ से 16 PS के आसपास का पावर देखने को मिला है। जी हाँ, 16 PS के आसपास का पावर दिया है। मैक्सिमम पावर एंड मैक्सिमम टॉर्क लगभग 14.65 के आसपास का नेट इंटरमिटेंट टॉर्क है। साथ में आपको इस बाइक में ऑयल कूल DTSI इंजन देखने को मिल गया है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा था कि बजाज हो सकता है कि बाइक में जो पावर है वो थोड़ा सा ज़्यादा दे, क्योंकि आपको पता है कि अपाचे RTR 160 आती है TVS की, जिसमें काफ़ी अच्छा पावर मिलता है, तो ऐसा चीज़ें मुझे लग रही थी। बट हो गया, 16 BHP भी काफ़ी अच्छा है, परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी रहेगी। 1-2 BHP से वैसे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, बट हाँ, बजाज की बाइक्स है तो परफॉर्मेंस आपको ये काफ़ी अच्छा प्रोवाइड कर देगी। एंड वही दोस्तों, बात करें इसके स्पीडोमीटर के बारे में, तो अब इसमें दोस्तों आप लोगों को नया वाला एनालॉग वी डिजिटल मीटर देखने को मिला है, जो कि सेम आप लोगों को पल्सर N250 और F250 में देखने को मिलता था। और स्पीडोमीटर में आपको पता ही है दोस्तों कि यहाँ पर आप लोगों को गियर इंडिकेटर भी देखने को मिला है, जो कि बजाज की बहुत कम बाइक्स में देखने को मिल जाता है। दोस्तों, इस बाइक में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, मुझे जो अभी तक यकीन नहीं हो रहा है ना, आप लोगों को यकीन होगा, इस बाइक में बजाज ने डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम दिया है। जी हाँ, बजाज ने इसमें डुअल चैनल ABS दिया है। ये अपनी N250 सोच लो, 250 cc बाइक में डुअल चैनल ABS नहीं है, बट इसमें इन्होंने डुअल चैनल ABS दिया है। इसलिए मैं बजाज को भाई बोलता हूं, यार ये चीज़ ना आप लोग कुछ ज़्यादा ही यूनिक कर लेते हो, कि मतलब आप अपनी पावरफुल बाइक में डुअल चैनल ABS नहीं दिया और कम पावरफुल बाइक में आपने डुअल चैनल ABS दिया, तो ये चीज़ मेरे हिसाब से अच्छी नहीं है। हालांकि आप चाहें तो अभी भी N250 और F250 में डुअल चैनल ABS अपडेट कर सकते हैं, और ज़रूर आपको अपडेट करना चाहिए भाई। अब बाकी आप लोगों का इसमें क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर आप लोग मेरी बात से एग्री हो तो। बाकी ओवरऑल बाइक का जो डिज़ाइन है भाई, उसमें क्या ही कहना, सेम N160 मतलब सेम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जैसे कि पल्सर N250 देखने को मिलते थे। डिज़ाइन में यहाँ पे कोई भी ज्यादा काम नहीं किया गया बजाज की तरफ से, सेम आपको यहाँ पे N250 जो है वो देखने को मिलेगी, लेकिन वही है कि पावर का फर्क है। और आपको पता है दोस्तों, इंडियन मार्केट में अभी 160 सेगमेंट जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो भी रही है, लोग इसे काफी ज्यादा पसंद कर भी रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों इंडियन मार्केट में अभी जो पेट्रोल का प्राइस है ना भाई, उस हिसाब से ये लोग इस बाइक को ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि प्राइस भी इन्होंने काफी अच्छा रखा है। एंड वही दोस्तों, बात कर ले इसके प्राइस के बारे में, तो बजाज ने प्राइस रखा हुआ है 1,22,000, 1,22,000 रुपए के आसपास का इस बाइक का एक्सरूम प्राइस रखा गया बजाज की तरफ से, सिंगल चैनल ABS वाली। और अगर आप डुअल चैनल ABS वाली लेते हो तो वो लगभग आपको 1,27,000 रुपीज के आसपास की एक्सरूम प्राइस देखने को मिल जाएगी। अब डिपेंड करता है भाई, आप सिंगल चैनल ABS लेना चाहते हो या डुअल चैनल ABS लेना चाहते हो। और दोस्तों, ये अच्छी चीज है कि प्लेट साइज ब्रेकिंग की काफी अच्छी दी गई है। फ्रंट में आपको 300 mm की प्लेट देखने को मिल रही है, रियल में 280 mm
की प्लेट देखने को मिल जाएगी। प्लेट साइज भी यहाँ पे बहुत बड़ी दी गई है इस बाइक में। और वही दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, प्लेट साइज भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से दिया है बजाज ने। प्लेट साइज अगर आप डुअल चैनल ABS ले रहेंगे तो फ्रंट में 300 mm की मिलेगी, सिंगल चैनल ABS मिलेंगे तो फ्रंट में 280 mm की मिलेगी और रियर में 230 mm के आसपास की प्लेट साइज देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज ना मुझे काफी अच्छी लगी कि भाई इन्होंने डुअल चैनल ABS वाला चलो ऑप्शन तो दिया, जैसे मैं हमेशा हर वीडियो में कहता था कि बजाज को ऐसा भी निकालना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन में आप तक पहुंचते रह सके, आप मेरे वीडियोस अपडेट रह सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।